You are watching Poonch Live. सर मेरा नाम मोहम्मद काशिद है। सर मेरे पापा BSF में हैं। सर आज रात को बारिश हुई बहुत ज़्यादा। बारिश होने के चक्कर से सर ये नीचे जो जितना मलबा था नीचे से मलबा बह गया, उसकी वजह से स्लाइडिंग हो गई। तो हमारा जितना घर था पूरा घर खतरे में आ गया, खाली हो गया। ऊपर से रात को हमने घर खाली किया तो पड़ोस में थोड़ी जगह शगह इधर उधर ली, रात में उधर रुके। तो अभी पूरा स्लाइडिंग की वजह से पूरा मलबा नीचे निकल गया, पीछे घर को भी बहुत खतरा है। तो हम सर शुक्रगुजार हैं आर्मी के, तो जिन्होंने आके सर हमको टेंट प्रोवाइड किए, टेंट दिए, साथ में ओके टेंट लगवाए। तो इन्होंने अपने हाथों से मलबा उठा के जगह बनाई सर। तो इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। दुर्गा बटालियन के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम। तो हमारी जो हिंदुस्तान की फ़ौज है बहुत ही अच्छा काम कर रही है, हमारे साथ बहुत ही अच्छा कोऑपरेट कर रही है। इन्होंने आए हमारा देखा तो रात को जैसे गिरा सुबह आर्मी आ गई। पहले सर हम वही बोल रहा हूँ सर कि फ़ौज का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम, जो इतनी मुश्किल घड़ी में हमारा काम आए, खुद आए सर, खुद आके तरपाल लगाई। जो भी चीज़ बोल रहे हैं कि अगर आपको कोई भी चीज़ ज़रूरत है तो हम प्रोवाइड करेंगे आपको। सुबह से लगे हुए हैं, मलबा इन्होंने साइड किया, टेंट इन्होंने लगाए, सब जितनी भी फैसिलिटी थी इन्होंने दी है। हम फौज के और दुर्गा बटालियन के बहुत ही शुक्रगुजार हैं जी। मेरा नाम जावेद खान है, मैं इस वक्त गुलपर पंचायत से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला हूँ। तो सर जो आज रात को बारिश हुई है, क्योंकि आप जानते हैं कि बारिश का बहुत बड़ा सीज़न ये चल रहा है, तो आज रात जो बारिश हुई है तो हमारा एक फौजी है लड़का जो BSF में है, उसके मकान के आगे से बहुत बड़ी स्लाइडिंग जो आपके सामने बिल्कुल स्लाइडिंग हुई है। तो मैं जो दुर्गा बटालियन है, मैं तय दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने जवान यहाँ भेजे, तरपाल साथ में भेजे, और जो जो सामान हमें वक्त के हिसाब से ज़रूरत था वो उन्होंने फ़िलहाल इस वक्त हमारे पास भेजा है। और अभी लगा रहे हैं ये टेंट वगैरह लगा रहे हैं ताकि कोई और स्लाइडिंग ना हो, और ऊपर वाला जो मकान है, क्योंकि जो सुबह का मलबा यहाँ पड़ा हुआ था खुद आर्मी वालों ने यहाँ मलबा हटाया है। बहरहाल हमने उनसे अप्रोच की थी कि सर आप मुश्किल वक्त में हमारी थोड़ी मदद करें। तो मैं इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज नहीं, जब भी हमें कोई मुश्किल वक्त पड़ा, चाहे वो 2005 का अर्थक्वेक हो, तब भी, उसके बाद जब भी हमें कहीं मदद की ज़रूरत पड़ी तो इंडियन आर्मी हमारी हर जगह मदद करती है। और मैं एक बार फिर तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कमांडिंग ऑफिसर साहब से कि ये एक फौजी आदमी है, इसकी जितनी भी मदद हो सके प्लीज़ आप करें।